रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ और कैसे रूस का यह फैसला यूक्रेन वॉर को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 800 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध जारी है। पुतिन का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इतने भयंकर युद्ध से पहले ही परेशान हैं। अब रूस के राष्ट्रपति ने उन्हें वांटेड घोषित कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू किया गया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने शनिवार को गृह मंत्रालय के डेटाबेस के हवाले से ये जानकारी दी है। यानी पुतिन के इरादे साफ हैं, किसी भी हाल में जेलेंस्की को निशाना बनाओ। आपको बता दें कि रूस ने कई और राजनेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन के खार्किव और निप्रो इलाके में ड्रोन से हमला बोला, जबकि जेलेंस्की ने सैन्य सहायता को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की है और ब्रिटेन भी जेलेंस्की की मदद के लिए तैयार हो गया है। Z News.